नगर में अधिक राशि के बिजली बिल उपभोक्ताओं को मिलने पर अब मध्य प्रदेश सरकार खिलाफ धीरे धीरे युवाओं एवं आमजन में आक्रोश फूटता दिखाई दे रहा है। वहीं 3 माह का बिजली बिल माफ नहीं करने पर प्रदेश सरकार खिलाफ क्रमबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार को युवाओं द्वारा दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के स्थानीय युवाओं द्वारा गत दिवस तहसील कार्यालय पहुंचकर अनुभागीय अधिकारी राजस्व विजय मंडलोई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन ने बताया कि मार्च 2021 से मई 2021 तक सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगाया गया, जिससे कि हम लोगों का रोजगार बंद था और आजीविका चलाने में भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन वर्तमान में लॉकडाउन खुलते ही बिजली घर द्वारा हम उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल थमाए जा रहे हैं, जिसे जमा करने में हम सक्षम नहीं है। महोदय, हमारे 3 माह के बिजली बिल माफ करने की कृपा करें, अन्यथा हमें चरणबद्ध आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ेगा। वहीं मयूर नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के अनलॉक होते ही बिजली के भारी भरकम बिल आने लगे हैं। पहले जो बिल 400 या 500 की राशि के आया करते थे, आज वो 5000 या 10000 रुपए की राशि के आने लगे हैं। ज्ञापन सौंपने वाले में सुरेंद्र परमार, रिजवान खान, रिंकू नामदेव, अंकित गौतम, आशुतोष नामदेव, पीयूष नागर, अनिल चौहान, राज कटारिया, रईस मंसूरी, देवेंद्र मेवाड़ा आदि लोग उपस्थित रहे। फैजुद्दीन, तहसील ब्यूरो आष्टा के साथ विशेष संवाददाता शैलेश शर्मा की रिपोर्ट।